पेज नंबर 14 शिवाजीज चाइल्डहुड हाफ चैप्टर वी हैव कम्प्लीटेड। जो बाकी है वो देखने से पहले हम देख लेते हैं हार्वर्ड, जो लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क दिया था। फर्स्ट वी विल राइट शिवाजीज चाइल्डहुड। चैप्टर नेम हार्वर्ड्स चाइल्डहुड डिस्पैच्ड शिवनेरी एप्रोप्रिएट अनसेटल्ड अभिमन्यु डिवोशनल कुकू अनविलिंगली एंड लास्ट वन इज कर्नाटक। सो चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं फाउंडिंग ऑफ अ न्यू निज़ामशाही। इन ऑर्डर टू फॉरस्टॉल द मुगल एम्परर एंड वजीर फतेह खान शाहजी राजे फाउंड आउट अ चाइल्ड है फ्रॉम द निज़ाम्स फैमिली एंड ऑन द फोर्ट ऑफ पेमगेट नियर जुन्नर डिक्लेयर हिम एज द न्यू निज़ाम शाह। अभी जो फतेह खान जो वजीर फतेह खान एंड मुगल एम्परर जो कर रहे थे वो सब तरीका गलत था। इन सब चीज़ों को बंद करने के लिए शाहजी राजे ने एक तरीका अपनाया, और तरीका ऐसा था कि निज़ाम शाह की फैमिली से एक बच्चे को उन्होंने नया निज़ाम शाह घोषित कर लिया, और वो कहा किया ये सब तो पेमगिरी नियर जुन्नर पेमगिरी फोर्ट ऑफ पेमगिरी फोर्ट पे उन्होंने उस बच्चे को नया निज़ाम शाह बनाया। Thus he established an altogether a new kingdom which included the territory between the rivers Godavari and Nira. इस तरीके से उन्होंने एक न्यू किंगडम बनाया। शाहजी राजे fought vigorously to protect this new state. अभी शाहजी राजे ने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत से इसके लिए लड़े भी। Initially आदिल शाह was with him in these efforts. अभी आदिल शाह भी उनके साथ था इन सारे efforts में, इन सारी मेहनत में आदिल शाह ने शाहजी राजे का साथ दिया था। But later the Mughal emperor Shahjahan himself marched south upon Shahji Raje and threatened Adil Shah. अभी फिर क्या हुआ कि मुग़ल emperor शाहजहाँ हैं उन्होंने south upon Shahji Raje तो शाहजी राजे के खिलाफ हल्ला बोल दिया, और जो आदिल शाह ने शाहजी राजे के साथ था आदिल शाह उसको भी धमका दिया शाहजी राजे के खिलाफ कि तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो हम आपको भी मार देंगे। ऐसे उन्होंने उनको धमका दिया आदिल शाह को। आदिल शाह देन साइन अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद हिम अगेंस्ट शाहजी राजे। फिर आदिल शाह भी शाहजी राजे के खिलाफ जाके शाहजहाँ से उन्होंने हाथ मिला लिया, उनसे फ्रेंडशिप कर ली। शाहजी राजे नाउ बिगेन टू फाइट द जॉइंट फोर्सेस ऑफ द मुगल एंड आदिल शाह यूजिंग गोरिल्ला टैक्टिक्स। शाहजी राजे नाउ बिगेन टू फाइट द जॉइंट फोर्सेस ऑफ द मुगल एंड आदिल शाह यूजिंग गोरिल्ला टैक्टिक्स। अभी शाहजी राजे के लिए ये बहुत मुश्किल का वक्त आ गया था। उनका दोस्त जो आदिल शाह था वो भी उनके खिलाफ हो गया था, और जो शाहजहाँ थे वो भी उनके खिलाफ, दोनों तरीके से दोनों साइड से उनको साथ में लड़ना पड़ रहा था। तो उन्होंने गोरिल्ला टैक्टिक्स से वो दोनों के साथ लड़ रहे थे गोरिल्ला टेक्निक से। बट ही कुड नॉट सस्टेन द वॉर ऑल बाय हिमसेल्फ। इन 1636 अनविलिंगली ही साइन अ ट्रीटी ऑफ पीस विद मुगल्स। अभी क्या हुआ था कि इन सब के साथ वो अकेले नहीं लड़ सकते थे, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उनको मुगल्स के साथ जाके हाथ मिलाना पड़ा। ही कुड नॉट क्रिएट हिज ओन किंगडम एज द टाइम्स वर नॉट फेवरेबल फॉर हिम। अभी उन्होंने इतनी मेहनत की लेकिन वो उनका खुद का एक किंगडम नहीं बना पाए, जैसे कि वो उनके लिए सही वक्त नहीं था। बट हिज डरिंग स्पिरिट काइंडलेड अ कॉन्फिडेंस अमोंग द मराठी पीपल। लेकिन उन्होंने जो काम किए थे उसकी वजह से मराठी लोग जो थे वो बहुत इंस्पायर हुए। दिस प्रूव्ड हिमसेल्फ फॉर शिवाजी इन इस्टेब्लिशिंग स्वराज अ न्यू ईयर लेटर। और इन सब चीज़ों की वजह से शिवाजी महाराज को बहुत सीख मिली, और उनको स्वराज की स्थापना करने के लिए एक इंस्पिरेशन मिला। जीजाबाई एंड शिवाजी इन कर्नाटक आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द निज़ामशाही इस्टेब्लिश्ड बाय शाहजी राजे इट्स टेरिटरी वॉज डिवाइडेड बाई द मुगल्स एंड आदिल शाह अमॉन्ग देमसेल्फ।
अभी निज़ाम शाही जो गिरी या फिर जो भी निज़ाम शाही का हुआ वो निज़ाम शाही बाद में आदिल शाह और मुगल्स के बीच में डिवाइड हो गई थी। शाहजी राजेश जागीर ऑफ पुणे एंड सुप्पे ले विद इन आदिल शाही शहर। अभी जो शाहजी राजे की जागीर थी पुणे और सुबह की वो आदिल शाह के शहर में आदिल शाह के हिस्से में आ गई। ही गेव इट टू शाहजी राजे एंड राजे ऑन हिज बिहाफ। अभी आदिल शाह ने फिर वो शाहजी राजे को दे दी आदिल शाह के बिहाफ पे। नाउ शाहजी राजे जॉइन दो आदिल शाही सर्विसेज। फिर शाहजी राजे ने आदिल शाह की सर्विसेज ज्वाइन कर ली। आदिल शाह असाइन टू हिम द टास्क ऑफ कंक्वेरिंग द टेरिटरीज इन डिस्टेंस कर्नाटक फार अवे फ्रॉम पुणे। सम टाइम आफ्टर डिपार्चर ऑफ शाहजी राजे टू कर्नाटक जीजाबाई एंड शिवाजी ऑल्सो ज्वाइन हिम लेट देयर। फिर ऐसा हुआ कि शाहजी राजे को कर्नाटक जाना पड़ा और कर्नाटक में उनको जीजाबाई और शिवाजी महाराज भी उनको वहाँ पर मिले। शिवाजी चाइल्डहुड इन महाराष्ट्र हैड बीन वेरी हेक्टिक। अभी महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का जो बचपन था वो थोड़ा मुश्किल से ही निकला था। ही एंड जीजाबाई हैड टू रश कंटिन्यूसली फ्रॉम वन फोर्ट टू अनदर। अभी वो कैसे निकला, तो जीजाबाई और शिवाजी महाराज को हमेशा एक फोर्ट से लेकर दूसरे फोर्ट पे अपने सेफ्टी के लिए जाना पड़ रहा था। एट दैट टाइम यंग शिवाजी यूज़ टू हियर द स्टोरीज ऑफ द ब्रेव डीड्स ऑफ हिज फादर। और उस वक्त में जीजाबाई जो थी शिवाजी महाराज को उनके कहानियाँ सुनाती थी, उन्होंने वो बताती थी कि शाहजी राजे जो उनके फादर है वो कैसे काम करते हैं, उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे अपने ब्रेवरी दिखाई है हर जगह। जीजाबाई एंड शिवाजी गॉट सम पीस व्हेन दे अराइव्ड इन कर्नाटक। अभी जीजाबाई और शिवाजी महाराज को थोड़ी शांति मिली जब वो कर्नाटक में आए। शाहजी राजे डिफीटेड मेनी किंग्स इन कर्नाटक। शाहजी राजे ने बहुत सारे राजाओं को कर्नाटक में हराया। आदिल शाह अवार्डेड हिम विद द जागीर ऑफ बेंगलोर। और इससे खुश होकर आदिल शाह ने शाहजी राजे को बेंगलोर की जागीर दे दी। शाहजी राजे देन मेड द सिटी ऑफ बेंगलोर हिज हेडक्वार्टर। फिर शाहजी राजे ने बेंगलोर को अपना हेडक्वार्टर बनाया। ही लिव्ड देयर विद ऑल द ट्रैपिंग ऑफ अ किंग एंड बिगेन टू समन द कोर्ट। फिर वो वहाँ से ही अपना सारा कारोबार करने लग गए थे बेंगलोर से ही। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर वन, फिलिंग द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट वन, शिवाजी वॉज बोर्न ऑन द डैश फोर्ट पुरंदर शिवनेरी पन्हाला। पुरंदर एंड पन्हाला नेम आर नॉट देयर इन दिस चैप्टर, सो आंसर विल बी शिवनेरी, बिकॉज शिवनेरी से उनका नाम शिवाजी रखा गया है। आदिल शाह असाइन द टास्क ऑफ कंक्वेरिंग द टेरिटरीज इन डैश टू शाहजी राजे, देन आंसर विल बी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर टू, राइट द आंसर इन वन सेंटेंस। वॉट डिड शिवाजी फील ड्यू टू जीजाबाई टीचिंग। अभी जीजाबाई की सिख की वजह से शिवाजी महाराज को क्या सिख मिली, तो इसका आंसर है पेज नंबर 13 पे, मेरे नंबर भी लिखा हुआ है पेज नंबर 13। वी विल स्टार्ट विथ जीजाबाई टीचिंग। तो हम जीजाबाई टीचिंग पहले लिखेंगे, सो आंसर ऐसा आएगा, जीजाबाई टीचिंग इंस्टिल इन हिम अ ग्रेट हिम अ रिस्पेक्ट एंड होनर फॉर ऑल सन्स एंड ग्रेट मैन। सेकेंड वन, वॉट गेम्स डिड शिवाजी एंड द चिल्ड्रन ऑफ मावलास प्ले, पेज नंबर 13। दे प्लेड हाइड एंड सीक और प्लेड विद अ बॉल और टॉप। थर्ड वन, वाई डिड शाहजी राजे लीव निजामशाही। निजामशाह हिमसेल्फ वॉज अ फिकल माइंडेड पर्सन वो रेडिली बिलीव ऑल गोसिप्स, हेंस मेनी कॉन्स्पेरेंसीज एंड पिटी रिवेलरीज इन्फेस्टेड द कोर्ट। दिस लेड टू द किलिंग ऑफ लखुजीराव जाधव ओपनली इन द कोर्ट एट द इंस्टिगेशन ऑफ निजामशाह हिमसेल्फ। फिर इसके बाद
हिमसेल्फ के बाद लिखेंगे देयर फोर शाहजी राजे लीव निजाम शाही। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द आंसर इन 1, 2 और 3 सेंटेंसेस। वो स्टोरीज डिड जिजाबाई टेल शिवाजी। पेज नंबर 13, रामा एंड कृष्णा और भीम एंड अभिमन्यु। तो हम लिखेंगे जिजाबाई टेल स्टोरीज टू शिवाजी ऑफ रामा एंड कृष्णा ऑफ भीम एंड रामा एंड कृष्णा ऑफ भीम एंड अभिमन्यु एंड द डिवोशनल सॉन्ग्स ऑफ नामदेव ज्ञानेश्वर और एकनाथ। ऐसे हम आंसर लिखेंगे, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही आपको लिखना है। B1, व्हाई डिड शाहजी राजे डिक्लेयर द चाइल्ड हेयर फ्रॉम द निजाम शाह फैमिली एज द न्यू निजाम शाह। पेज नंबर 14, इन ऑर्डर टू फोरस्टॉल द मुगल एम्परर एंड वजीर फतेह खान शाहजी राजे फाउंड आउट अ चाइल्ड हेयर फ्रॉम द निजाम फैमिली एंड ऑन द फुट ऑफ पेमगिरी नियर जुन्नर डिक्लेयर हिम एज द न्यू निजाम शाह। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे एक फोर्ट शिवनेरी महादरवाज़ा बताया हुआ है, आप देख लो। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इसके नोट्स कंप्लीट कर लो। थैंक यू।